कोरोना के कारण बीते दो सालों से 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों की अधिकतर पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से हुई है। इसी बीच छात्रों की बोर्ड परीक्षा सर पर है। हालांकि छात्रों का कहना है कि वो बोर्ड परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते सोमवार को संपूर्ण शहर में गुस्साए छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया गया। इन प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों का पारा इतना बड़ा हुआ था कि उन्होंने आक्रोश में आकर एक बस भी फोड़ दी। गनीमत रही कि पुलिस ने हालत को काबू में ले लिया। बीते दो सालों से कोरोना के कारण विद्यार्थियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी अधिकांश पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से ही हुई है, जिसमें उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इन्हीं परेशानियों के बीच विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा सर पर है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें परीक्षा नहीं देनी और उसे रद्द किया जाए, जिसके चलते सोमवार को संपूर्ण शहर में गुस्साए छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया गया। इन प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों का पारा इतना बड़ा हुआ था कि उन्होंने आक्रोश में आकर एक बस भी फोड़ दी। गनीमत रही कि पुलिस ने हालत को काबू में ले लिया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने कुछ छात्रों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बता दें कि छात्रों द्वारा ये आंदोलन नागपुर सहित मुंबई पुणे में भी किया गया। सध्या शिक्षणाचा जो घोळ होतो आहे, 12वीची परीक्षा आणि 10वीची परीक्षा याचा वेळापत्रक बदलण्याचे अंदाज आहे। 10वी 12वीची परीक्षा न हो यासाठी काही स्टुडंट लोक रस्त्यावर उतरले। सध्या आपण मेडिकल चौकात उभो आहो। इथे पाहू शकता शेकडोच्या संख्येने हे स्टुडंट जे आहे, हे स्टुडंट विरोध करताना फार दिसत आहे। पोलिसांसोबत त्यांची आता सध्या चर्चा सुरू आहे। पोलिसांचं असं म्हणणं आहे की यांनी परवानगी काही घेतलेली नव्हती या मोर्चाची। मोठ्या संख्येने इथे जे स्टुडंट विद्यार्थी आहे एका ठिकाणी गोळा झाले। पोलिसांनी तो एक धुडकाव केलेला आहे जो मोर्चांचा काढला गेला होता। काही स्टुडंट आपल्यासोबत आहे, त्यांच्याकडनं विचारून घेत की हा मोर्चा यांनी एक्झॅक्टली कशासाठी काढण्यात आलेला आहे। दो साल से हमारी परीक्षा पूरी ऑनलाइन क्लासेस और एग्जाम पेपर ऑफलाइन ले रहे लोग, ये कैसा ना है? दो साल से हमारी पूरी ऑनलाइन क्लासेस हुई है और हम लोग कैसे कर दे एग्जाम दे? हम 12 क्लास में है। विद्यार्थ्यांचं असं म्हणणं आहे की गेले दोन वर्ष झाले आम्ही ऑनलाईन सगळं करतो आहे, ऑफलाईन अजून आम्हाला काही शाळेत कॉलेजमध्ये आम्ही अजूनपर्यंत गेलेलो नाही आहे। मग परीक्षा कशी काय देणार आहे? रायटिंगची सवय तुटलेली आहे आमची। परीक्षा न व्हावं, 10वी 12वीची परीक्षा न घ्यावी सरकारने, असा यांचा आग्रह आहे। त्यासाठी हे लोक या मेडिकल चौकामध्ये मोठ्या प्रमाणात जमा झाले होते। माहिती अशी आहे की यांनी एक बस पण फोडलेली आहे, त्यामुळे पोलिसांचा ताफा इथे पोहोचलेला होता। पोलिसांचं असं म्हणणं आहे की पोलिसांनी काही विद्यार्थ्यांना अटकही केलेली आहे। पोलिसांचं असं म्हणणं आहे की यांची कुठल्याही प्रकारची परवानगी ही घेण्यात आलेली नव्हती। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोडसा, अभिषेक पानसे, एनबीसी न्यूज, नागपूर।